डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रे लेटे कहता हूँ कि आज सर्दी थोड़ी कम है। दिसंबर की सर्दी पी के कहता हूँ कि आज गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन तक दफन होके भी जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ, सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। मैं इन महासागरों के कपड़े बदलता हूँ, मैं इन महासागरों के कपड़े बदलता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ, आदम जान की क्या औकात, जब मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मैं वंशज राणा प्रताप का वीर शिवा का हूँ बेटा, अपनी बाजू की ताकत से हर संकट को है मेटा। वीरों की अग्रिम कतार में लिखा अपना नाम लिखाऊं, लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू के हर एक कतरे से इंकलाब लाएगा। आज़ादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था, आज़ादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। गांव के बाकी सारे बच्चों जैसा ही तो दिखता था, सब गुड्डे गुड़िया खेलते थे, उसको आज़ादी प्यारी थी। भगत के मन में इनकलाब की दबी हुई चिंगारी थी, उसकी आंखों के सामने जलियांवाला बाग हुआ। जनरल डायर के आदेशों से किस्सा खूनी फाग हुआ। उस दबी हुई चिंगारी ने जन्म दिया एक ज्वाला को, क्रांतिकारी बना भगत सिंह प्याग प्रेम की माला को। भेज जेल भगत सिंह को उल्टी गोरों की चाल हुई, और पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। अंग्रेज दोषी सिद्ध हो रहे थे, प्रेम का पंजा कसता था। जज को देख भगत सिंह दीवानों जैसा हंसता था। भारत पर अभिमान करो, ऊंचा उसका नाम करो, फख्र से सीना तान के तुम कह सको भारते हो। तुम ऐसा कुछ काम करो, क्योंकि खुश नसीब हो तुम जो यहाँ हो जन्मे, याद रखो तुम इस मिट्टी से हो बने, यह वही भूमि है, जो वीरों की कुर्बानी से सनी है, इसका तुम सम्मान करो, खुद से ऊंचा उसका नाम करो, जय भारत। अस्माकं देशे 1947 वर्षस्य अगस्त मासे पंचदशे दिनांके स्वतंत्रम अभवत। हमारा देश 1947 वर्ष में अगस्त के महीने में 15 तारीख को स्वतंत्र हुआ, परंतु तदाने किमपि स्वीकार्य संविधाने न आसीत्, परंतु तब इसका कोई भी स्वीकार्य संविधान नहीं था। अतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महोदयानाम अध्यक्षायां संविधान निर्माण कार्य समाप्तम अभवत। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महोदया जी की अध्यक्षता में संविधान निर्माण कार्य समाप्त हुआ। तदा संविधाने अंगीकृत्य देशः 1950 वर्षस्य जनवरी मासे 26 दिनांके भारत देशः प्रजाप्रभुत्व राष्ट्रे घोषितवन्तः। तब संविधान को अंगीकृत कर भारत देश को 1950 वर्ष में जनवरी के महीने में 26 दिनांक को प्रजाप्रभुत्व राष्ट्र घोषित किया। अतः अयम दिवस बहु महत्वपूर्ण विद्याते, इसलिए यह दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन ही सही तुम शहादतों के नाम कर देना, मिले जो कभी भारत माता तो उनको तुम प्रणाम कर देना। हो सके तो अगर राजगुरु और आजाद जैसा काम कर देना, गरीबों में पैसा ना सही तुम शिक्षा ही दान कर देना। करनी हो किसी से मांग तो देश की शांति की तुम मांग कर लेना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहे साथ मिलकर, दिवाली को ईद और क्रिसमस को तुम रमजान कर लेना। एक दिन ही सही तुम शहादतों के नाम कर देना, मिले जो धरती माँ उनको तुम प्रणाम कर लेना। है जन्म लिया इस मिट्टी में मिल जाऊंगा, आई तो आन पे तेरी पहन में खाकी युद्ध में भी लड़ जाऊंगा। इस मिट्टी में है जन्म लिया, इस मिट्टी में मिल जाऊंगा।
लहू से सींचूंगा धरती, मैं सरफरोश बन जाऊंगा। लहू से सींचूंगा धरती, मैं सरफरोश बन जाऊंगा। और देश प्रेम घोल दे सांसों में, ऐसा वो गीत जोश का गाऊंगा। इस मिट्टी में है जन्म लिया, इस मिट्टी में मिल जाऊंगा। जहाँ जात पात ना मसला हो, जहाँ जात पात ना मसला हो, जहाँ उठता ना बात बात पर असला हो। मैं अमन ऐसा लाऊंगा, इस मिट्टी में है जन्म लिया, इस मिट्टी में मिल जाऊंगा। घर में जीवन का सलीखा हो और भ्रष्ट ना काम का तरीका हो। मैं ऐसा समाज बनाऊंगा, इस मिट्टी में है जन्म लिया, इस मिट्टी में मिल जाऊंगा। मिट्टी में है जन्म लिया, इस मिट्टी में मिल जाऊंगा। और कह दो इन हुक्मरानों से, और कह दो इन हुक्मरानों से, चैन से जीने दे हमको। कोई ना फसाद करे सत्ता की आड़ में, मेरे ना देश को बर्बाद करो। इसके उज्जवल भविष्य के खातिर जीवन अपना मौत की राह पर बनाऊंगा। इस मिट्टी में है जन्म लिया, इस मिट्टी में मिल जाऊंगा। इस मिट्टी में है जन्म लिया, इस मिट्टी में मिल जाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।